दिया गया था, और 8:23 हो रहा है अभी तक, मशीन चालू नहीं हुई है। उनसे बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अभी मशीन अपडेट नहीं है, उससे पहले अभी तक क्या कर रहा था ये अल्लाह जाने। की मध्य विधानसभा 153/14 अभी नहीं बता रहा है कि मैं मशीन अपडेट नहीं है, मशीन अपडेट नहीं है बोल रहे हैं, मैं कोई सुनवाई नहीं है भाई। आधा घंटा होने वाला है हमें लाइन में लगे उसमें, और अभी तक मशीन चालू नहीं है। 8:30 बज रहा है, मोड़ों की बगिया है दिमाग 153 बूथ नंबर 14, वो कह रहा है कि मशीन चालू नहीं हो रही है। अधिकारी तो अंदर लगे हुए, टूटू आवाज़ आ रही है और कोई बोल ही नहीं रहा, बात कर रहा है तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा वहाँ से अंदर से। मेरा स्वयं का जहाँ बूथ है वहाँ की मशीन 8:30-9 स्टार्ट हो पाई है, वो भी मैं खड़ा रह पाया हूँ। अभी मेरी कलेक्टर साहब से बात मैं कर रहा हूँ, SDM से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर ये बैलेट यूनिट में इनकी जो चेकिंग रात में होनी थी, इनको मना कर दिया गया कि रात में चेक मत कीजिए, और सुबह यूनिट स्टार्ट नहीं हो पा रही और कनेक्ट नहीं हो पा रही, इसकी भी शिकायत हम निर्वाचन आयोग से। नहीं साजिश तो अगर हो, अगर साजिश है तो इस साजिश का पर्दाफाश भी थोड़ी देर होती। चारों मशीन बनती अभी बता रहे हैं कि दो चालू है, अभी भी 9:30 है, 9:30 है, ये स्थिति है। ओपल स्कूल नेहरूनगर की है, ये भीमनगर की है, और हर्षवर्धन नगर की है, श्याम नगर की है, तो दसियों जगह मशीनें बंद है। चुनाव आयोग करा रहा है, ये पूरा का पूरा स्टेशन इसकी मिली भगत है, और यहाँ लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। एक तरह से हमारी मांग है कि मशीन चालू करा रहे, जो टाइम लैप्स हुआ 1.5 घंटे का, वो 1.5 घंटे का टाइम पूरा का पूरा दिया जाए, और ये साजिश जो हुई है ऐसा क्यों हुआ इसकी जाँच हो रही है।